नमस्कार, मैं हूं नवजोत। मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और नरेंद्र मोदी ने कहा था, हम चले ना चले देश चल पड़ा है। और आज हम और आप सभी इस बात के गवाह हैं कि देश चल पड़ा है। नेटवर्क 18 के 100 चेहरे 100 संवाददाताओं के साथ हम लेकर हाजिर हैं हमारी ये खास पेशकश, सैकड़ा पार मोदी सरकार, 100 काम 100 चेहरे। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा कामकाज, उनकी सरकार का लेखा जोखा और उसका हमारी और आपकी जिंदगी पर असर। और साथ ही साथ ये 100 चेहरे दिखाएंगे मोदी सरकार के अच्छे दिनों का कामकाज भी। बहरहाल, शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश का, क्योंकि यह है सैकड़ा पार मोदी सरकार, 100 काम 100 चेहरे। मोदी सरकार का पहला दिन 26 मई, पहला बड़ा फैसला पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। शपथ ग्रहण समारोह के दिन सार्क देशों के सभी मुखिया यहां दिल्ली में मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना के मना करने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी यहां सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए। मोदी ने सभी मुखियाओं से द्विपक्षीय वार्ता भी की और बाद में ये खुद ही कहा कि ये एक सही वक्त पर सही फैसला उठाया गया था। प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए अपने द्वार खोल दिए। पीएमओ के वेबसाइट पर एक लिंक चमकने लगा, प्रधानमंत्री से करिए बातचीत। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेबसाइट के जरिए वो अपने सरकार का हर कामकाज और नए कदम का जानकारी जनता को देते रहेंगे और ऐसा हुआ भी। 26 मई को ही देर रात नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रालयों के पुनर्गठन पर भी मोहर लगा दी। 17 बड़े मंत्रालयों को समेटकर 7 टुकड़ों में बांट दिया गया। ओवरसीज मंत्रालय विदेश मंत्रालय के अधीन हो गया तो कॉर्पोरेट अफेयर्स वित्त मंत्रालय के। मकसद ये कि फैसलों के लिए फाइलें एक मंत्रालय से दूसरे के बीच धक्के न खाती रहें। 27 मई को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में पहला बड़ा फैसला लिया गया कि काले धन की जांच के लिए SIT बनाई जाएगी। SIT भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई हो, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछली UPA सरकार लगातार इस फैसले को टालती जा रही थी। 28 मई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने अफसरों से मिले। साफ ताकीद की गई कि मोदी सरकार के काम करने का एजेंडा होगा जनता की समस्याएं दूर करना। अफसरों को कहा गया कि वो हर वो फैसला करे जिससे जनता की समस्याएं दूर हो, उनकी परेशानी कम हो। अब फैसलों में देरी की कोई गुंजाइश नहीं। 30 मई को स्कूली किताबों में अपनी जीवनी पढ़ाने पर नरेंद्र मोदी ने रोक लगा दी। दरअसल उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अखबारों में यह छपा कि नरेंद्र मोदी के चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन खुद मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि एक जीवित व्यक्ति की जीवनी बच्चों को हरगिज ना पढ़ाई जाए। 31 मई को प्रधानमंत्री ने एक झटके में सभी मंत्री समूह या यूं कहें GOM को खत्म कर दिया। मंत्रालयों और विभागों को मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम था। सरकार का तर्क था कि अब सभी बड़े फैसले मंत्रालय खुद ले सकेंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। 4 जून संसद का पहला दिन, 16वीं लोकसभा का आगाज हुआ और मेजों की थपथपाहट के बीच नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा बने और लोकसभा में पहली बार अपने भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के लिए कहा कि वो उनकी उम्मीदों और सपनों को साकार करने की हर मुमकिन कोशिश करें। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। 8 साल बाद इस तरह की बैठक हुई। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाते हैं। बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी सचिवों को कहा कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं 24 घंटे आपके साथ हूं। 6 जून को BJP के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने एक और फरमान दिया। फरमान था BJP के सभी सांसदों के लिए कि जब तक सदन की कार्यवाही चले रोजाना आइए, पूरी तैयारी के साथ सवाल पूछिए, पूरी तैयारी के साथ सदन में बहस में शामिल होइए। साफ तौर पर नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि किसी भी स्तर पर उनको लापरवाही बर्दाश्त नहीं। 7 जून मोदी सरकार ने नौकरशाहों को अहम निर्देश दिए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 11 निर्देश भेजे जिसमें जल्द से जल्द फैसला लेना, काम का माहौल और तरीका सुधारने जैसे निर्देश शामिल थे। इस निर्देश के आते ही ऐसा लगा रातों रात बाबुओं के मेज पे लगे फाइलों के ढेर साफ हो गए। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक एन एक्शन एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स का विमोचन किया। इस किताब के जरिए प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है कि देश के विकास के लिए उनकी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है।
10 जून को मोदी सरकार ने कैबिनेट की 4 स्टैंडिंग कमेटियों को भी बर्खास्त कर दिया। यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और संसदीय कार्य से जुड़ी अहम कमेटियों का भी पुनर्गठन कर दिया गया। इसके बाद हर विभाग के मंत्री को ज्यादा फैसलों की जिम्मेदारी सौंपी जाने लगी। 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जो 8 साल से लटका पड़ा था। ये फैसला था सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने का। जब से मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी से गुजरात सरकार ये मांग कर रही थी कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, महज 3 हफ्ते के भीतर ये फैसला ले लिया गया। 14 जून को नरेंद्र मोदी गोवा गए। देश के सबसे बड़े जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेना से जुड़े उपकरणों और हथियारों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यहीं पर पहली बार मोदी ने इशारा किया कि देश की वित्तीय हालत संभालने के लिए कुछ कड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे। 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान गए। मोदी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और वहां की संसद को संबोधित किया। मोदी ने दो टूक संदेश दिया कि किसी भी देश में शांति तभी रह पाएगी जब उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे होंगे। मोदी ने 600 मेगावाट पनबिजली परियोजना का उद्घाटन भी किया। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अहम और संवेदनशील फैसला किया। ये फैसला था अफसरों की नियुक्ति पर मंत्रियों के दखल पर रोक। मोदी ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से रामविलास पासवान को भी दूर रखा। मोदी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो यूपीए सरकार में मंत्रियों के अफसर रह चुके लोगों को अपने स्टाफ में शामिल न करें। 20 जून को वो दिन आया जब मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया। एक ही झटके में रेल यात्री किराए में 14% की बढ़ोतरी कर दी गई। माल भाड़ा भी 6.5% बढ़ा दिया गया। लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि सुविधाएं देने के लिए किराया बढ़ाना सही कदम था। 22 जून को सरकार ने फैसला किया कि मंत्रालय के सारे सचिवों को और जवाबदेह बनाया जाएगा। मोदी ने तय किया कि ऐसे सचिव को और जिम्मेदार बनाया जाएगा जो अलग अलग मंत्रालयों में अटकी हुई फाइलों को निकलवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। 23 जून सरकार संभाले मोदी सरकार को लगभग 1 महीना पूरा होने वाला था। एक और कड़ा फैसला, चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे चीनी की कीमत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का तर्क था कि इस फैसले से घरेलू चीनी उद्योग मजबूत होगा। 23 जून को ही नई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आयोग को देश के तमाम न्यूक्लियर प्लांटों की निगरानी और तहकीकात की इजाजत दे दी। अमेरिका के साथ हुए न्यूक्लियर डील के वक्त भारत ने ये इजाजत दी थी। इस इजाजत के साथ ही मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया कि नई सरकार परमाणु मामलों को लेकर कितनी गंभीर और जिम्मेदार है। 24 जून को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 मंत्री दिए। पहला, लोगों की शिकायतों पर जल्द कार्रवाई हो। दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो, इस पर काम किया जाए। तीसरा, सेना की सारी जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इन सभी मंत्रालयों से संपर्क करने के दौरान इन तीनों मंत्रों पर खासा ध्यान दिया जाता है। मोदी के लिए बेहद अहम है देश के युवाओं को रोजगार। 25 जून को मोदी सरकार ने अपने गुजरात में कामयाबी के साथ चले रोजगार कार्यक्रम NEPAM को केंद्र की तरफ से भी लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के तहत उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को नौकरी के दौरान ट्रेनिंग और नौकरी पाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 26 जून मोदी सरकार को केंद्र में सत्ता संभाले 1 महीना हुआ। इस दिन आम जनता से जुड़े कई अहम आदेश पारित किए गए। शहरी विकास मंत्रालय ने मंत्रियों और अफसरों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। इससे वक्त बचेगा, ट्रैफिक पर असर पड़ेगा और पर्यावरण का भी फायदा होगा। फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक और फैसला हुआ। 26 जून को मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्री और अफसरों को नई कार खरीदने पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नई कार की बजाय उसी बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला करते थे। मंत्रियों को ये भी कहा गया है कि 1,00,000 रुपए खर्च करने से पहले उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की इजाजत लेनी होगी। 26वीं खबर 26 जून से ही। सरकार का 1 महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर देश से मिले समर्थन के लिए आभार जताया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ देश के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों को हनीमून पीरियड मिलता रहा है, लेकिन उन पर पहले दिन से ही सियासी हमले होने लगे। सरकार बनने के एक महीने के भीतर मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो सिर्फ कागजी नहीं थे। संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार ने साफ किया कि वो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। कश्मीरी पंडितों को ये यकीन दिलाया गया कि न सिर्फ उनकी जमीन वापस की जाएगी बल्कि उनको बसाने का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। जिस चीन के साथ रिश्ते बेहद तल्ख थे, एक महीने के भीतर मोदी सरकार ने उस पर भी मेहनत की। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इंडस्ट्रियल पार्क पर सहमति बनी। ये भी तय हुआ कि छोटे चीनी निवेशकों से कम टैक्स लेने का तरीका खोजा जाए। सरकार के इस फैसले से भारत और चीन दोनों को आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है। रूस के साथ भी रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश हुई। रूस के उप प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुर्नाकुलम में रूस के साथ मिलकर दो और पावर रिएक्टर बनाने पर समझौता हुआ। इतना ही नहीं, दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी समझौते पर दस्तखत किए गए। कम मानसून की आशंका का असर महंगाई दर पर दिखा, लेकिन इसको कम करने के लिए मोदी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में कर दिया तो राज्य सरकारों को सख्त ताकीद दी गई कि वो कालाबाजारियों पर नकेल कसे छापेमारी करें। आम जनता से जुड़ी चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाकर कीमतों पर काबू करने की कोशिश की गई। सरकार का एक महीना पूरा होने पर नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों की नकेल कसी। बाकायदा क्लास लगाकर बीजेपी टिकट पर पहली बार जीते सांसदों को काम करने का तरीका सिखाया गया। इस बात की ताकीद की गई कि संसद के भीतर भी सांसद अपना बर्ताव सही रखें, और शायद इसी वजह से संसद के भीतर पहली बार इतना काम होता नजर आया। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और अफसरों को एक और नसीहत दी, जो भी काम आप करें वो लोगों तक पहुंचाएं जरूर। फेसबुक और ट्विटर पर लगी पाबंदी को हटा दिया गया और हर अफसर और मंत्री से कहा गया है कि वो अपना ट्विटर अकाउंट खोलें और उसे लगातार अपडेट करते रहें। 30 जून को प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए श्रीहरिकोटा का रुख किया। उन्होंने PSLV-C23 रॉकेट लॉन्चर से 5 उपग्रहों की लॉन्चिंग देखी। इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी की बधाई देने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि वो सार्क देशों के लिए भी एक ऐसी सैटेलाइट बनाए जो सभी देशों के विकास में मदद करे। छोटे और सस्ते घरों का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर से मदद मांगी। सिंगापुर के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान मोदी ने उनसे कहा कि सिंगापुर भारत को वो तकनीक दे जिससे यहाँ भी सस्ते और मजबूत घर बनाए जा सके। आपको याद दिला दें कि 2022 तक मोदी सरकार का सपना है हर भारतीय को एक घर देने का। 2 जुलाई को मोदी सरकार ने तय किया कि देश के 2.5 लाख गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराकर सभी गांव को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। सरकार की कोशिश 1.5 लाख गांव में इंटरनेट सेंटर स्थापित करने की है। इन सेंटरों को स्थापित करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि क्षेत्रीय भाषाओं की वजह से ये फ्लॉप न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़े। 3 जुलाई को मोदी सरकार ने अहम फैसला करते हुए यह तय किया कि अब भारत के बच्चों को रोटा वायरस की वैक्सीन समेत 3 नए वैक्सीन दिए जाएंगे। मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2015 तक शिशु मृत्यु दर को 2/3 घटाने का है। और साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि जिन इलाकों में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला है वहां बड़ों को भी इसकी वैक्सीन। प्रधानमंत्री बनने के बाद 4 जुलाई को पहली बार नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए। यहां उन्होंने 240 मेगावाट बिजली पन योजना देश को समर्पित की। मोदी ने यहां फिर देश से ये वादा किया कि उनकी सरकार देश से अंधेरा दूर करने में प्रतिबद्ध है। यहां मोदी ने ये भी कहा कि देश में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के नेटवर्क पर भी ध्यान दिया जाएगा। 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी के भक्तों को तोहफा दिया। उधमपुर कटरा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भक्तों को देवी के और करीब ला दिया। नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद इस ट्रेन का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस कर दिया गया। मोदी के उस सुझाव पर भी काम किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कटरा रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाए। देश के घरेलू मुद्दों के अलावा मोदी सरकार एक और मोर्चे पर लगातार काम करती रही। ये था इराक में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने का। ये मोदी सरकार की ही कोशिशों का नतीजा था कि तिक्रित में फंसी 46 भारतीय नसें
5 जुलाई को वापस वतन लौट सके। और इराक संकट से निपटने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ हुई। मनमोहन सरकार के सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक आधार परियोजना को मोदी सरकार ने 5 जुलाई को जीवन दान दे दिया। इस आशंका को दरकिनार करते हुए कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद आधार योजना बंद हो जाएगी, नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आधार के लिए बजट दिया बल्कि ये भी तय किया कि उनकी निगरानी में ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा। मोदी सरकार ने बुजुर्गों की सेहत पर भी खास ध्यान दिया। तय किया गया कि केंद्र की 3 योजनाओं ओल्ड एज पेंशन स्कीम, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर एक कर दिया जाए। देश के 20 जिलों में स्मार्ट कार्ड के जरिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी चल रही है। रेल बजट से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय को यह आदेश दिया कि लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लोगों को सहूलियत देने की मुहिम में मोदी सरकार ने रेलवे के इस एतराज को भी खारिज कर दिया कि फ्री वाईफाई लगाने का खर्च बहुत ज्यादा होगा और इससे रेलवे का नुकसान होगा। 7 जुलाई को ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन स्कीम में बदलाव कर दिया। तय ये हुआ कि हर महीने कम से कम 1000 रुपए पेंशन के तौर पे मिला करेगा। इससे देश के 28 लाख लोगों को फायदा हुआ। मोदी सरकार का पहला रेल बजट आया 8 जुलाई को। बजट में सबसे अहम था मुंबई अहमदाबाद के बीच 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के सर्वे का प्रस्ताव। मोदी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि देश के 9 बड़े रूटों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। मोदी सरकार ने ये ऐलान किया है कि इंटरनेट से प्रति मिनट 7200 टिकट बुक कराए जा सकते हैं और रेलवे की वेबसाइट पर एक साथ 1,20,000 लोग लॉग इन कर सकेंगे। मकसद यही है कि इंटरनेट के जरिए टिकट बुक करने वालों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। रेल बजट में किए गए इस वायदे पर अब अमल भी किया जा चुका है। लोगों को एक और दिक्कत होती है प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के समय। मोदी सरकार ने यह तय किया कि प्लेटफॉर्म का टिकट और पार्किंग टिकट अभी ऑनलाइन भी बुक हो सकेगा। यही नहीं, वेटिंग रूम का बुकिंग भी अभी इंटरनेट के द्वारा करने की कोशिश हो रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों को वाईफाई करने के अलावा मोदी सरकार ने ये भी तय किया कि अहम ट्रेनों में कंप्यूटर वर्क स्टेशन भी दिया जाएगा। यानी आपको दफ्तर का कोई काम हो तो ट्रेन में चलते फिरते दफ्तर से भी अब आप अपना काम कर सकते हैं। रेल बजट में मोदी सरकार ने लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए और एक कदम उठाया। आने वाले दिनों में रेल सफर के दौरान आपका मोबाइल आपका दोस्त बन जाएगा। मोबाइल पर वेकअप कॉल आएंगी, स्टेशन आने से पहले मोबाइल पर उसकी सूचना दी जाएगी और जो स्टेशन गुजर जाएंगे उनकी भी सूचना दी जाएगी। ऐसे में इस बात का कोई भी खतरा नहीं रहेगा कि स्टेशन गुजर जाए और आप उतर ना पाए। मोदी सरकार ने रेल में खाने पीने की दिक्कतों को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हर ट्रेन में पहले से तैयार खाना देने का प्रोजेक्ट शुरू किया, यहाँ तक कि अब से खाने पर लोगों का फीडबैक लिया जाएगा और अगर वो संतुष्ट ना हो तो ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों को खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा भी जारी की जाएगी। सफाई पर मोदी सरकार का पहले दिन से ही जोर है और हमारी ट्रेनें गंदगी के लिए बदनाम, इसीलिए रेल बजट में इस बार सफाई का खर्च 40% से बढ़ा दिया गया। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स बनाने की योजना भी शुरू की गई और मोदी सरकार का ये भी वायदा है कि अब से हर स्टेशन पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 17 से 18 घंटे काम करने में यकीन करते हैं। उनका जुनून उनकी मेहनत नजर भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की ये बुलेट ट्रेन जारी रहेगी। नाम छोटे दर्शन बड़े, मोदी सरकार ने अपनी किसी भी योजनाओं का नाम लंबा चौड़ा या कठिन नहीं रखा है। पहले दौर के राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड सुधार कार्यक्रम जैसे लंबे चौड़े या कठिन नामों के बजाय मोदी सरकार ने नाम रखे हैं क्या, जनधन योजना, जिसका निर्णय 8 जुलाई को रेल बजट वाले दिन हुआ। 10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट आया। नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। PPF में भी निवेश की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 7,600 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव भी रखा गया है। स्मार्ट सिटी के लिए विदेशी निवेश के जरिए पैसा जुटाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अगले 10 सालों में शहरी आबादी 10% बढ़ जाएगी।
और लोगों को सुविधा देने के लिए 100 नए शहर जरूरी होंगे। गंगा के लिए अपना वायदा निभाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के साथ नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। सरकार ने ऐसी सैकड़ों फैक्ट्रियों की पहचान कर उन पर रोक लगा दी जो गंगा के पानी को प्रदूषित कर रही थी। बनारस में गंगा घाटों की सफाई का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। गंगा को साफ करने के साथ ही पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया गया। बजट में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए इस काम के लिए अलग से रखे। सरकार की योजना है कि अगले 6 साल में इलाहाबाद से हल्दिया तक पानी के जहाजों के लिए जल मार्ग विकसित किया जाए। सरकार ने देश भर के बड़े हवाई अड्डों पर 6 महीने के भीतर ही ई वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया, यानी दुनिया भर से भारत आने वाले टूरिस्टों को वीजा मिलने के नियम और आसान हो जाएंगे। मोदी सरकार ने देश में टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने के लिए 5 टूरिस्ट सर्किट बनाने का भी फैसला किया। मोदी सरकार ने तय किया कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल खोले जाएंगे। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में एम्स की 4 शाखाएं खुलेंगी। सरकार ने इस बात का भी फैसला किया कि देश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मोदी सरकार का इरादा महिला और बाल कल्याण विकास पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत की। निर्भया कोष से मदद लेकर दिल्ली में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोलने का फैसला किया गया। सभी तरह के निवेश के लिए होगा एक ही KYC, यानी नो योर कस्टमर फॉर्म। यही नहीं, मोदी सरकार के निर्देश के बाद रिजर्व बैंक ने यह भी तय कर दिया है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ एक ही दस्तावेज काफी होगा, यानी पहचान के लिए अलग, पते के लिए अलग, दस्तावेज देने के झंझट से मिली मुक्ति। किसानों पर मोदी सरकार ने तोहफों की बरसात की। इस साल के अंत तक किसान TV चैनल शुरू होगा। खेत में मिट्टी की जांच के लिए हेल्थ कार्ड योजना भी शुरू करने का ऐलान किया गया। इस जांच के लिए 100 से ज्यादा चलती फिरती प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी। पूर्वोत्तर पर भी खास ध्यान। पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अरुण प्रभा नाम से 24 घंटे का एक TV चैनल शुरू करने की भी तैयारी है। वाजपेयी सरकार की परंपरा पर चलते हुए पूर्वी राज्यों के लिए अलग से बजट भी आवंटित किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बुनकरों से वादा किया था कि उनके विकास की योजनाएं शुरू होंगी। ये वादा पूरा करते हुए बनारस के बुनकरों के लिए अलग से 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। यही नहीं, बनारस में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय भी खोले जाएंगे। अफसरों की विदेश यात्रा पर नरेंद्र मोदी की नजर। मोदी सरकार ने विदेश दौरे पर नकेल कसते हुए ये नियम बनाया है कि अफसरों को पहले सरकार को संतुष्ट करना होगा कि आखिर उनका विदेश दौरा जो है वो इतना जरूरी क्यों है और उससे प्रशासन और लोगों को क्या फायदा होगा। मोदी सरकार करेगी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश। मोदी सरकार ने राज्यों से पूछा है कि क्या जमीन अधिग्रहण मामले में 70 के बजाय 50% किसानों की मंजूरी को जरूरी माना जाए। सरकार का तर्क है कि यह फैसला किसानों के साथ ही उद्योगों के लिए भी मददगार साबित होगा। मोदी सरकार ने हिंदी को नया आयाम दिया है। हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। साथ ही सभी हिंदी भाषी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी कामकाज हिंदी में करें। मोदी सरकार के कारण ही हिंदी को अपना डोमेन मिला है। हालांकि विवाद से बचने के लिए सरकार ने सभी भाषाओं के विकास पर काम करने की बात कही है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गए नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबका ध्यान खींचा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम करना चाहिए। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने पर भी जोर दिया। ब्रिक्स बैंकों का अध्यक्ष बना भारत। 2 साल की माथापच्ची के बाद आखिरकार ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर ली। यह बैंक 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ शुरू होगा। इसका मुख्यालय संघाई में होगा। बैंक का अहम मकसद होगा पूंजी की कमी से हो रही योजनाओं को लागू करना। ब्राजील में चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी दिलचस्प रही। ये मुलाकात सिर्फ 40 मिनट के लिए होनी थी, लेकिन जब दोनों नेता आपस में बात करने लगे तो 80 मिनट तक बात करते रहे। दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद
आर्थिक रिश्ते और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे रूट को लेकर बातचीत हुई। 16 जुलाई को मोदी सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए मंत्रालयों को आदेश दिया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन साफ करते समय पेड़ ना काटे जाएं। अगर पेड़ काटना काफी जरूरी होगा तो उस पेड़ को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मोदी सरकार में गुजरात में ऐसा पहले भी होता आया है। 18 जुलाई को मोदी सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया। बजट में लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बिजली संकट से जूझ रहे राजधानी के लोगों को 260 करोड़ रुपए सब्सिडी भी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया कि दिल्ली में नया एक आधुनिक अस्पताल भी बनेगा। मोदी सरकार हिंदी के साथ ही संस्कृत के विकास पर भी गंभीर नजर आई। CBSE ने अपने सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वो भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाए। हालांकि कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया। मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा कि अगले 3 से 4 साल के भीतर देश के हर गांव में टेलीफोन कनेक्शन होगा। देश के हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की मुहिम के कामयाबी के लिए ये होना बहुत जरूरी भी है। मौजूदा वक्त में देश के सिर्फ 44% गांव में टेलीफोन कनेक्शन है। महंगाई से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने ये ऐलान किया कि वो रसोई गैस और केरोसिन ऑयल की कीमत में इजाफा नहीं करेगी। यही नहीं, सरकार ने महीने में सब्सिडी वाला सिलेंडर सिर्फ एक ही बार मिलने की बाध्यता भी खत्म कर दी। मोदी सरकार ने तय किया कि वो भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को सुरक्षा देगी। तमाम मंत्रालयों और विभागों के चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को ये आदेश दिया गया कि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया। अमरीकी दबाव के बावजूद सरकार ने WTO प्रोटोकॉल को समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि अगर वो ये प्रोटोकॉल को समर्थन करते तो देश में गरीबों के लिए चल रहे खाद्य कार्यक्रम में अड़चने आती। बीमा सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% कर दी। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि बीमा कंपनियों का मैनेजमेंट भारतीय प्रमोटरों के हाथ में ही रहे। सरकार के इस फैसले को पहले बड़े आर्थिक फैसले के तौर पर देखा गया। साथ ही इस फैसले से बीमा कंपनियों को एक नया जीवनदान भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया कि सांसदों पर चल रहे आपराधिक केसों की पड़ताल 1 साल के भीतर निपटाई जाए। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने दागी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया था। आपको बता दें कि ADR नाम की संस्था के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में 34% सांसदों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। देश के हवाई यात्रियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने एक साथ 6 नई एयरलाइंस के लाइसेंस को हरी झंडी दिखाई। इन एयरलाइंस के लाइसेंस देने की प्रक्रिया महीनों से अटकी पड़ी थी। इन 6 नई एयरलाइंस में से 3 घरेलू रूट पर उड़ेंगी तो वहीं 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MyGov नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए मोदी सरकार ने डिजिटल क्रांति और गंगा सफाई जैसे अहम मुद्दों पर लोगों की राय मांगी है। इस वेबसाइट पर अब तक हजारों लोग अपनी राय बता चुके हैं। सेना में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने फैसला किया कि अब कमांडरों की बटालियन भी महिलाएं संभाल सकेंगी। पहले ऐसा नहीं था। इस फैसले के बाद सिग्नल, एविएशन और इंजीनियर्स की कमान भी महिलाएं संभाल पाएंगी। मोदी को वीजा देने से मना करने वाला अमेरिका और झुकता नजर आया। मोदी ने नई दिल्ली में US के जॉन कैरी से मुलाकात की और जॉन कैरी ने हिंदी में कहे कि सबका साथ सबका विकास सबका ध्यान खींचा और मोदी की सितंबर में अमेरिका विजिट से पहले इस मीटिंग को बहुत मान दिया गया। दस्तावेजों को अटेस्ट कराने के झंझट से मुक्ति दिलाते हुए मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जोर दें। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि तमाम सरकारी कार्रवाइयों में हलफनामों को कम करने के तरीके खोजे जाएं। सरकार का कहना है कि गजेट ऑफिसर्स से अटेस्ट कराने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा पर गए। 17 साल के बाद यह पहला मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल दौरे पर था। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच पनबिजली योजनाओं से संबंधित समझौते किए गए। साथ ही इस बात पर सहमति भी बनी कि 1950 में हुई भारत नेपाल ट्रीटी की समीक्षा के लिए दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे। CSAT परीक्षा पर सरकार ने अहम फैसला लिया है, जहां ये कहा गया है कि मेरिट लिस्ट में अंग्रेजी पेपर के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। साथ ही 2000
2011 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा, ये बात भी सामने निकल कर आई है। इस पूरे फैसले में हिंदी भाषा के साथ भेदभाव कर रहे का आरोप लगा रहे प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के तौर पर कमला बेनीवाल के कार्यकाल में 2 महीने बाकी रहते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया था। ऐसे में विपक्ष ने सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। गंभीर आरोपों के मामले को लेकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सरकार ने बदलाव किया है। 16 साल से ज्यादा उम्र वाले आरोपियों को अब बालिग के तौर पर सजा दी जा सकती है, लेकिन इसका फैसला अभी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ही करने की हिदायत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त को दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। लद्दाख में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रकाश, पर्यटन और पर्यावरण का नारा दिया। यही पे पाक पर आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि वो आतंक के नाम पे छद्म युद्ध में लगा है। जजों की नियुक्ति के लिए राज्यसभा में न्यायिक नियुक्ति बिल के पास होते साथ ही पुराना कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो गया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों और पारदर्शिता में कमी के कारण कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही थी। अब नए सिस्टम के तहत न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा। सरकार ने तय किया है कि नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में मोबाइल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए इन इलाकों में 2000 से ज्यादा टावर खड़े किए जाएंगे। इस योजना को पूरे करने की जिम्मेदारी BSNL को सौंपी गई है, जो इन इलाकों में पहले ही 350 से ज्यादा टावर लगा चुकी है। मोदी जी ने 15 अगस्त को ही देश से यह वायदा किया था कि अगले साल 15 अगस्त तक देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिनमें बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा ना हो। साथ ही में मोदी जी ने सभी सांसदों से भी ये कहा था कि वे अपने सांसद निधि का उपयोग स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए करें, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल में शौचालय की कमी होने के कारण अपनी पढ़ाई आधी ना छोड़े। मोदी सरकार की मेहनत का ही असर है कि पिछले 2.5 साल में पहली बार विकास दर 6% तक जाती नजर आ रही है और उनके काम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी सरकार के कुछ और कामकाज दिखाएंगे आपको, लेकिन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार का लक्ष्य 2019 तक देश के हर नागरिक के हाथ में स्मार्टफोन देने का है। मकसद ये कि मोबाइल फोन के जरिए देश का हर नागरिक सरकार की हर योजना के साथ सीधा जुड़ सके। सरकार की तैयारी 2.5 लाख पंचायतों और स्कूलों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की है। मोदी ने ऐलान किया कि इसी साल 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी ने देश से वादा लिया कि 2019 तक देश का हर शहर, हर सड़क, हर गली साफ सुथरी होगी। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसमें लोगों की मदद की भी जरूरत है। मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत 2016 तक हर सांसद को अपने इलाके में एक आदर्श गांव बनाना होगा। इसके बाद सांसद को 2019 तक 2 और गांवों को आदर्श गांव में बदलना होगा। इस योजना का औपचारिक ऐलान 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर होगा। मोदी सरकार ने तय किया है कि राम सेतु के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दरअसल राम सेतु के बीच जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके पक्ष में दलील देने वाले कहते हैं कि इससे वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों की भावनाओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा। मना करने के बावजूद कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से सचिव स्तर की बैठक रद्द कर दी। मोदी सरकार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि या तो वो अलगाववादियों से बातचीत कर ले या फिर भारत सरकार से। इस फैसले से मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश दिया कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तबादलों के दौरान ऐसी महिलाओं को तरजीह मिले जो अपने परिवार से अलग दूसरे शहरों में रह रही हैं। केंद्र सरकार ने खासतौर पर बैंकों को ये निर्देश दिया कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर के नजदीक ही की जाए, ताकि उनमें असुरक्षा की भावना कम हो। योजना आयोग के दिन खत्म करने का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने नई संस्था के बारे में लोगों से सुझाव मांगा। सरकार का कहना था कि 64 साल पुराना योजना आयोग वक्त के हिसाब से खुद को नहीं बदल पाया, ऐसे में एक नई संस्था की जरूरत है। अभी नई संस्था 21वीं सदी के मुताबिक विकास से जुड़े सुझाव देगी। मोदी सरकार ने तय किया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीन से आसमान तक मार करने वाली आकाश मिसाइल के 600 ड्रोन तैनात की जाएगी। ऐसा चीन के लड़ाकू विमान और ड्रोन की तैनाती के बाद किया गया है। सरकार ने पहले ही तेजपुर और झाबुआ में सुखोई 30 विमान की तैनाती कर चुकी है। देश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट फ्लिपकार्ट के साथ एक अहम समझौता किया। अब केंद्र सरकार की मदद से हथकरघा उद्योग का बनाया हुआ सामान फ्लिपकार्ट पर भी बेचा जाएगा।
इस नई पहल से बुनकरों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ उद्योग की कमाई भी बढ़ेगी। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के पास बैंक अकाउंट होने का लक्ष्य रखा गया। 2 हफ्ते के भीतर ही ये योजना पूरे देश में शुरू कर दी गई। 28 अगस्त को इस योजना के पहले दिन ही देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों के पास बैंक अकाउंट खुल गए। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमने इन 100 चेहरों के जरिए कोशिश की उनके कामों को समेटने की। कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मोदी सरकार काम में जुटी हुई है। बेकार हो चुका सिस्टम, बेकार हो चुके कानून, सबको बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आई बिन 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।